आवेगा भक्ति सिंह किसी के हाथ में। मेरी माता बहन भाइयों बुजुर्गों, अगर जवाब अच्छा लगे तो आपकी दो हाथों की तालियां जरूर चाहूंगा। अरे देश ते जुड़िया है ए बहना घबराए, यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आएगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी बात जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। शब्दों पर ध्यान देना, जीना है बेकार जगत में जिसे देश की कोई नाम है। साथियों मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, पर एक बात बताओ, एक लाइन है कि जीना है बेकार जगत में जिसे देश की कोई नाम है। एक तो वो भगत सिंह था जिसने देश के लिए जान दे दी, और एक ऐसे व्यक्ति हैं कोई 12,000 करोड़ ले गया, कोई 22,000 करोड़ ले गया, समझ रहे होंगे या समझाऊं? फर्क देख लीजिए सरदारों, चौकीदार सोता रह गया और करने वाले कबाड़ा। और जीना है बेकार जगत में जिसे देश की कोई नाम है। जो देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। तू हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर। अरे हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर। झीले ना किसी पे ऐसी मार हो कर मन के चाहे होती ना समाई मेरे गात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और मेरे भाई
मुझे एक बात का जवाब दे, जो हमारी माँ ने और जो तेरी इस बहन ने तेरे लिए जो सपने संजोए थे, अब उन सपनों को कौन पूरा करेगा मेरे भाई? क्या सपना संजोया है मेरी माँ विद्यावती ने? हमारी माँ ने सपना ये संजोया था कि मेरे भगत सिंह की शादी होगी, एक सुंदर सी दुल्हन हमारे घर में आएगी, लेकिन मेरे भाई अब कौन तो मेरी माँ के लिए एक सुंदर सी दुल्हन लेकर आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेके आएगा? मेरी बात का जवाब दे मेरे भाई। मेरी बहन, मेरी माँ विद्यावती को जाकर के कह देना कि तेरा भगत सिंह तेरे लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता। लेकिन क्यों मेरे भाई? और एक बात और भी कहना कि जिस दिन मुझे ये गोरे अंग्रेज फांसी पे चढ़ाए, उस दिन मेरी माँ विद्यावती ढोलक लेकर के मेरी शादी के, मेरी सगाई के गीत जरूर गाए। लेकिन भाई भगत सिंह, मुझे एक बात बता तू कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बहन और तेरी माँ का क्या होगा? हे मेरी बहन, समझ मेरी बात को, मैं अपनी माँ के लिए दुल्हन लाना भी नहीं चाहता हूँ। और मेरी माँ को यह भी कहना कि जिस दिन मुझे फांसी लगे उस दिन मेरी ब्याह शादी के गीत गाए, क्योंकि मेरी बेबे भगत सिंह का एक सपना है कि अगर मेरी कुर्बानी से, मेरी वीरता से, मेरी शहादत से, मेरे फांसी चढ़ जाने से अगरचे मेरी भारत माता आजाद हो गई, तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा, उससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई, तू अकेला इस देश को आजाद नहीं करा सकता, ये जिद छोड़ दे और चल मेरे साथ। मेरी बहन, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी अकेला चला था, वो योगी राज श्री कृष्ण भी अकेला चला था, और पाखंड का खात्मा करने के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती भी अकेला चला था। ये भगत सिंह अकेला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। सुन ले मेरी बात मेरे भाई। तेरे ऊपर भगत सिंह बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बूढ़ा पकट जागा न्यू तुझसे आस लगाए बैठी, और मेरा बूढ़ा पकट जागा न्यू तुझसे आस लगाए बैठी, और 900 साल गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, अरे बोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास, बोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास, सिर पे उठाया कैसा भारी हो, हो माँ दुखड़े पावे अरे या करेगी निर्भरात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जगमग हृदय डोल रहा मेरे, आंखों से रुके ना दीर, ब्याह भात के मौके पे कोने भगत सिंह उड़ावे तीर,
चीर तेरी तू शेरा की रोने काली जे नाम ये माता जी को समझाना नहीं और दादा ते कहिए परनाम वो धूल जवानी पे पड़ जा जो तेरी भारत माता रहे गुलाम धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए हर मैं भी मरूंगी तेरे साथ में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ जीज मित्र और मेरे भाई भगत सिंह अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो तेरी बहन तेरे से सिर्फ एक विनती करना चाहती है क्या विनती ये करना चाहती है मेरे भाई कि जिस हाकिम ने तुझे सजा सुनाई है एक बार अपनी बहन को उस हाकिम से मिला दे मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी झोली फैलाकर भीख मांगूंगी कि मेरे भाई को छोड़ दे चाहे बेशक मुझे फांसी लगा दे पर मेरे भाई को फांसी मत लगा मेरी बहन हाँ मेरे भाई इन पूर्वजों की इन बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत है सजनों अगर समर्थन करना बात अच्छी लगे तो किसी ने लिखा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने लिखा है कि बिना किसान किसी भी देश का कभी उद्धार नहीं होता व्यापारी भिकमंगे को कभी देश से प्यार नहीं होता मेरी बहन मैं इस तरह के मुकाम पे खड़ा हूं याद रखना कि अगर ये गोरे अंग्रेज एक भगत सिंह को मारेंगे तो भारत माता की गोदी से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो इनको भगाने का काम करेंगे कह दे अपनी बात सुनो भाई गुरु सुखदेव भगत को हो राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई जिसे हाकिम ने सजा सुनाई उसने मुझे मिला दो भाई बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई मैं बचा लो भाई और बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई मैं बचा लो भाई तेरी बच्चा बच्चा जे बोलेगा परले तक गुणगान होगा तेरी राखी के नेक जोग में बहन मेरा बलिदान होगा ये कहे जय करण न्यू कह तेरी तेरा भारतई हिंदुस्तान होगा और कहे जय करण न्यू कह तेरी तेरा भारतई हिंदुस्तान होगा सुनेगा सभी संसार हो पूजा गावे सुरती लगा के दुर्ग मात में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में